और हमारे पुरखे भी शहीद हो गए, मेरे एक साथी जगदीश भाई भी शहीद हो गए, हाजी सलीम भाई भी चले गए और न जाने और कितने जाएंगे। लेकिन अब वक्त आ गया है, वक्त का तकाजा है कि फिर प्रदेश के लिए हमको आगे आना होगा। मैं बोलता आया हूं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद में मैंने एक लाइन और जोड़ी थी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब आप एक लाइन और मैं इशारा करता हूं आज से, फिर भी बोलता आया था टाइगर अभी जिंदा है, लेकिन एक लाइन और जोड़ते आज से, जब तक फिल प्रदेश बनाएंगे नहीं तब तक मरेंगे नहीं। क्या आप फिल प्रदेश बनाने से पहले मर जाओगे क्या? तो क्या हमको फिल प्रदेश बनाने के लिए गांव गांव में वोट डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? हर पहाड़ पे फिल प्रदेश का झंडा लगना चाहिए कि लगना चाहिए? मैं अमित खिलाड़ी को धन्यवाद देता हूँ, उदयपुर में जाते ही जगह जगह पर फिल प्रदेश के झंडे लगे हुए हैं। गुजरात के अंदर जाओ तो नहीं लगे हुए, हमारे राजस्थान के अंदर भी नई इलाके में नहीं लगे हुए। ये उत्तराखंड की धरती फिल साम्राज्य के नाम से झंडे लगाते हैं, तो क्या हमको नहीं लगाना चाहिए? तो कौन लगाएगा, कब लगाओगे? प्रशासन में खो, सरकार में डर आपकी वजह से है और हमारी वजह से। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि सभी वक्ताओं ने बोल दिया है, सभी वक्ताओं ने बोल दिया है। मानगढ़ की धरती से आपको डर है, सीधा लाइफ आपका हम लोग पहले से बोलते आए। अगर फिल प्रदेश बनता है तो हम लोग बार बार ज्ञापन देते, स्थानीय लोगों को कलेक्टर बनाया जाएगा, स्थानीय लोगों को SDM बनाया जाएगा, स्थानीय लोगों को SC बनाया जाएगा, स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरियां मिलेगी, चाहे वो आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, अन्य राज्य के लोगों को नौकर दिया जाएगा। ये बात भी हमारे को सोचनी चाहिए। राजस्थान की भर्तियों में बाहर के लोग आ जाते हैं, एक जरा भी हमको नहीं मिलता। गुजरात के अंदर आ जाते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर आ जाते हैं, महाराष्ट्र के अंदर आ जाते हैं, तो क्या हमको फिल प्रदेश बनाकर एक खेलराइज देश चालू करके भर्तियां में हमको फायदा नहीं मिल सकता? कुछ मुस्लिम भाई बैठे हैं, कुछ राजपूत भाई बैठे हैं, कुछ ऐसी समाज के लोग बैठे हैं, तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों को कतई घबराने की जरूरत नहीं है। जब फिल प्रदेश बन जाएगा तो आपके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था होगी। जिस प्रकार से छठी अनुसूची के अंदर हम इसे रिमांड कर रहे हैं, अगर फिल प्रदेश बन जाता है तो इस इलाके में 85% आबादी आदिवासियों की हो जाएगी और 15% नॉन ट्राइबल ले जाएंगे, तो 15% आपको स्वतः ही आरक्षण मिल जाएगा। कोई आरक्षण मांगने की जरूरत नहीं है। पूर्वोत्तर राज्य में देख लीजिए, चारों तरफ से आपको आरक्षण मिला हुआ है, ठीक उसी प्रकार से आपको भी आरक्षण मिल सकता है। इसीलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि आप लोग बार बार से कहते हैं, मैं एक बार मन से माफी चाहता हूँ, संचालक महोदय से माफी चाहता हूँ, मैं इस बात को कहकर जाना चाह रहा हूँ, आप लोग भी इसका सम्मान करिए। मैं कहकर जाना चाह रहा हूँ, जो मंत्री बिल प्रदेश इलाके में आकर हमारे 30 शिक्षकों को एक लेकर के गया, वो आर्थिक फेल, उसका संविधान के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए आने वाले समय में वो जिस पार्टी से है उस पार्टी को एक बिल प्रदेश से एफडीए कर दो, बुरा ना आते के बाबूलाल खिलाड़ी को 5वीं यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी है क्या? बिल प्रदेश के बारे में जानकारी है क्या? अरे हमारे यहाँ क्या बात करता है, तेरे वहां पर जाकर देख, लिलुड़ी मंडली के अंदर हजारों आदिवासी मारे गए थे, वो आपका विजय से हमारी ताकत से लिलुड़ी मंडली बना। मुकेश भाई यहाँ पे होंगे, जब वहां जाके हमने कार्यक्रम में किए होते तो वहां पे नहीं बनते। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ,
कि आप लोग मंत्रियों के संतरियों के दबाव में आकर ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे हमारे समाज का नाम बदनाम हो। और मैं आज से आप लोगों को कहना चाहता हूँ, या गोमदेव महाराज या आप जिसको मानते हो पूछते हो उनकी कसम खा के जाओ, जहां जहां चौराहे बाकी है वहां वहां आज से ससुराल ठोको और वहां आपके पुरखों का नाम लिख दो। आने वाले समय में वहां बड़े बड़े चौराहे बनाए जाएंगे। नहीं हम मुझे बोल आ गया, हम उसने फोक दिया अपने, जब तक हम समझेंगे नहीं तो तब तक हमारा नुकसान होता रहेगा। और ज्यादा बात नहीं कह के मैंने बेसल भी कहा था, मुझे और थोड़ा सा और वक्त लगेगा, वक्त का तकाजा भी है जल्दी ठीक हो जाए ऐसा कहना भी है। और मैं अंत में हमारे जगदीश भाई कृष्णा जी आए हैं, उनके भाई दिनेश पांडव जी आए हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जैसा प्रस्तुत पैदा किया था, जो आपके इलाके में ऐसा कावा खड़ा करके चला गया लेकिन हमारे दिल में ऐसी ठेस बिठा के चला गया। तो दिनेश पांडव और इस ठेस को पूरी करेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ मैं बसंती लाल जी से वादा करना चाहता हूं कि आपने गए साल बोला था मेरा एक बच्चा तो दान कर दिया, दूसरा बच्चा भी मैं आपको देना चाहता हूं। तो मैं बसंती लाल जी के लिए आप लोग एक बार फिर से ताली बजाइए ताकि अपने जगदीश भाई की आत्मा को शांति मिले। अब एक नारा सबने लगा दिया तो वापिस एक बार हो जाए, मैं बोलूंगा मान रहे सम्मान रहे आप बोलोगे फिर बंदेश का नाम रहे। अरे मान रहे सम्मान रहे, वो आपके पीछे वालों को नहीं सम्मान नहीं रखा फिर बंदेश का मान रहे सम्मान रहे। मेरा तो हाथ खड़े करो फोटो खींचो भाई, किस किस का फोटो देगा कल अखबार में लिख देना। अरे मान रहे, अरे पत्रकार मीडिया वाला आए हो तो फोटो खींच लेना और कल के अखबार में राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर जो भी अखबार है आप जिसको पढ़ते हो अगर कल का ये कार्यक्रम नहीं आता तो कसम खा के जाओ ऐसे अखबार की होली आप लोग जलाओगे वो अखबार खोलोगे नहीं। इनको इतनी भीड़ नहीं दिखती, इतना मान सम्मान नहीं दिखता, लेकिन कोई नेता आता है तो उससे बड़े बड़े पोस्टर छाप दिए जाते हैं। सिर्फ 2 मिनट बोलूंगा, ठीक है। मैं यू कहना चाहता हूं कि 2013 के अंदर बाबा दिलाओ बात भूल गए 2013 के अंदर इसी जगह पर अशोक जी के लिए मैं सभा की थी और नीचे बीजेपी ने सभा की थी और उस समय कहा गया था अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो आने वाले समय में हम आपके लिए आदिवासी राज्य बनाएंगे। 2013 का ये लंबी लंबी कटिंग है मेरे पास, अखबारों की कटिंग है, किसी से पड़ी जो पुराने साथी उन्होंने पड़ी होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान में बीजेपी की सरकार, गुजरात में बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार और आपका मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, राज्य में केंद्र में बीजेपी की सरकार। तो क्या आदिवासी क्या आप लोग हितैषी है? तत्काल प्रभाव से हमारा छोटा सा राज्य है उस राज्य को बना के आदिवासी को सुमृत कर दीजिए। और भी विदेश का प्रस्ताव अगर राज्य वाले नहीं लेते तो आप लोग आज के बाद जो भी राजनीतिक पार्टी आपसे वोट मांगने आती है उससे एक प्रस्ताव लो कि आप लोग भी प्रदेश बनाने के लिए तैयार हो नहीं हो, अगर हो तो पहले वाले सरकार में आपने क्यों नहीं साथ दिया, साथ नहीं दिया हमारे समाज का नुकसान हुआ, अगर आपको हमने एपीओ कर दिया बैठ जाइए आपके घर, ये सवाल आपको कहना पड़ेगा। थोड़ा सा दिक्कत भी है बोलने में, फिर भी मैंने सुबह से आया हुआ बैठा हुआ और लास्ट तक बैठ के रहेंगे। और मैं इतना कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूँ, व्यवस्था बनाए रखने में आपने हमारी सुविधा है आपने हमारी सहायता की और लास्ट तक भी आप लोग सहायता करते रहेंगे। और आने वाले समय में बहुत शायद बाहर गए हैं वो जितने भी साथी हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को हम लोग इस वक्त नहीं करके हो सकता है आने वाले समय में
नवंबर में करे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम ज्यादा होता है। आज खुदा ना खास्ता बरसात नहीं आई, इसलिए बैठे हुए, अगर आ जाती तो लफड़ा हो जाता। 17 नवंबर को वैसे भी मेला पड़ता है, लोग भी आते रहते हैं और अपना कार्यक्रम भी हो जाएगा। ये एक प्रस्ताव मैं आप सभी के बीच में रखना चाहता हूँ, ताकि हमारे पुरखों को भी याद किया जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी। बहुत मान रहे, सम्मान रहे, कांति भाई आपका नाम रहे। एक बार कांति भाई के लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इनका अभिनंदन करें। अब समय धीरे धीरे ढलता जा रहा है, अब मैं वक्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत ही कम समय में, मात्र 2 मिनट में अपना वक्तव्य रखें। मैं बुलाना चाह रहा हूं आदिवासी कानूनों की जानकार झारखंड से बबीता जी कच्छप। बबीता जी कच्छप आए, नारी शक्ति के रूप में हमारे बीच में मौजूद है और आप वकील भी हैं और बहुत बड़े आंदोलन झारखंड के खूंटी आंदोलन की प्रेरणा बबीता जी कच्छप। इसके बाद तैयार है सिरोही से मुकेश राज बिल। सिरोही से मुकेश राज बिल, बिल्कुल बहुत जल्द है। मुकेश जी आए हो तो आगे आ जावे और जो वक्ता है पूरा समय का ध्यान रखें। मात्र 2 मिनट का समय दिया जा रहा है। चूंकि समय कम है, इसलिए अपने सभी